हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं बिलोटा धाम शिवलिंग दर्शन करने के लिए। भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है भगवान शिव का भोजपुर शिव मंदिर, जिसे भोजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। बिलोटा धाम मंदिर भोजपुर मंदिर से 7 किलोमीटर दूर आशापुरी गाँव में स्थित है। आप यहाँ तक बाय रोड आसानी से आ सकते हैं। भोजपुर मंदिर के पास आशापुरी गाँव वो जगह है जहाँ पर नवी शताब्दी के मंदिर और उनके अवशेष आज भी मिलते हैं। यहाँ मंदिरों के जो अवशेष मिलते हैं उन्हें प्रतिहार और परमारकालीन माना जाता है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आशापुरी संग्रहालय का वीडियो हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 1000 साल पुराने मंदिर और मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। बिलोटा धाम मंदिर में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भी भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। भोलेनाथ का ये शिवलिंग 1000 साल पुराना नवी शताब्दी का बताया जाता है। शिवलिंग की लंबाई लगभग 2 फीट की है, जिसमें छोटे छोटे 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक बार दूध या जल से भगवान शिव के इस शिवलिंग का अभिषेक करने पर 1008 शिवलिंग के अभिषेक का पुण्य प्राप्त होता है। इस मंदिर के संत महाराज, जिनके दर्शन अभी आप कर रहे हैं, पहले इस मंदिर में रहकर भगवान शिव की सेवा किया करते थे। मंदिर के वर्तमान पुजारी इन संत महाराज के बारे में बताते हैं कि इन्हें भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर इस जगह पर आने के लिए आदेश दिया था। ये संत महाराज मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे। वर्तमान पुजारी ने हमें यह भी बताया कि इस शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। अगर आप भोर के समय सुबह सुबह शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो यह आपको पीतल या सोने की तरह दिखाई देता है। दोपहर में 12 बजे के बाद शिवलिंग तांबे की तरह दिखाई देता है। अगर आप शाम के समय शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो यह आपको लोहे के समान दिखाई देगा। बहुत से श्रद्धालुओं को इस अद्भुत शिवलिंग में ओम के आकार के दर्शन भी होते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा जब हमारी बातचीत इस मंदिर के पुजारी जी से हुई थी। इस मंदिर का नाम बिलोटा महादेव इसलिए रखा गया क्योंकि इस मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में बेल के पेड़ ज़्यादा होने के कारण इसे बिलोटा महादेव के नाम से जाना जाता है। पहले ये शिवलिंग खुले में रखा हुआ था, लेकिन गांव वालों ने आपसी सहयोग से इस शिवलिंग के आसपास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। यहाँ के स्थानीय निवासियों में भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पास ही बने माता अन्नपूर्णा के मंदिर में बहुत ही आस्था है। इसलिए यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों को भी इस मंदिर के बारे में पता है वो भगवान शिव का भोजपुर मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। वर्तमान में मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे हमारी जो बात हुई हम आपको वो सुनवाते हैं। 1008 महात्मा जी थे, उन्हें मतलब ख्वाब में दिया था 30 दिन में आ गांव जवाने में जंगल था यहाँ। अच्छा, 50 साल आए हैं जयपुर में 2015 में पूरे नहीं हो सकते। अच्छा। महात्मा जी बताते हैं छोटे में सेवा में रहता हूँ। उगने फेरे आओगे तो 4 में से लगेंगे सोने के, मतलब तांबे उसके पीतल का माता उसका। अच्छा, और ये 12 के बाद बजाओगे तो शेष लगेंगे तांबे के, मतलब उसका हो जाता है। और 6 बजे के बाद उसका ब्लैक कलर हो जाता है, आप ब्लैक कलर में जाते हैं। उनके तुमसे ध्यान से देखोगे ना उसके ओम के आकार लिंग उसमें आप दिखते हैं उसमें। अच्छा, ओम का आकार है उसमें। ये देखो ये बिन है, ये पूरा ये चांद है, ये इस प्रकार के ओम का आकार इसमें। दोस्तों, क्या आपको भी इस शिवलिंग में ओम के आकार के दर्शन हो रहे हैं? क्योंकि मुझे तो हो रहे हैं। पुजारी जी बताते हैं कि कई लीटर पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन इस गड्ढे में वो पानी कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। साथ ही पुजारी जी ने यह भी बताया कि इसी गड्ढे से एक नाग निकल के बाहर चारों ओर घूमता है और वापस इसी गड्ढे में चला जाता है। कभी कभी तो पुजारी जी भी मंदिर में सोए रहते हैं और सांप इनके पास से चला जाता है, पर इनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, इस तरह का पहला शिवलिंग मैंने देखा है।
जहां एक ही शिवलिंग के अंदर 1008 शिवलिंग के दर्शन होते हैं और कभी कभी शिवलिंग में ओम के आकृति के दर्शन भी होते हैं। क्या आपने कभी इस तरह के किसी भी शिवलिंग के दर्शन किए हैं? अगर दर्शन किए हैं तो आप हमें उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग के पास ही एक छोटी सी पत्थरों से बनी हुई गुफा के अंदर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। ये माता पार्वती ही हैं जो यहाँ पर अन्नपूर्णा रूप में विराजमान हैं। इसी छोटी सी गुफा के अंदर माता विराजमान हैं, जिनके दर्शन मैं अभी आपको कराऊंगा। मंदिर के बाहर ही हजारों साल पुरानी कुछ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। देवी माँ के इस मंदिर की गांव के लोगों में बहुत आस्था है। ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरा करती हैं। यहाँ महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना से माता का आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। माता के इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें प्राचीन मंदिरों की सादगी का अनुभव होता है। यहाँ पर विराजमान माता अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा भी लगभग 1000 साल पुरानी बताई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के वर्तमान पुजारी जी ने हमें इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर के आसपास जो अवशेष रखे हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। हरिहर भगवान है, इधर शंकर विष्णु भगवान है, इधर शंकर जी जटाए गए मुकुट है। दोस्तों, अभी आप नवी शताब्दी के जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान शिव और विष्णु का हरिहर स्वरूप है। इसी तरह से इस प्रतिमा के अलावा भी यहाँ पर 900 से 1000 साल पुराने प्राचीन मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिनमें आदि वाराह की ये प्रतिमा भी है। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के आदि वाराह, वामन और नरसिंह अवतार के प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की अधिकतर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रतिहार राजवंश भगवान विष्णु के उपासक थे। अभी हम लोग भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान नरसिंह के अलावा आपको वामन अवतार के दर्शन भी होते हैं। मंदिर के आसपास रखी हुई इन प्रतिमाओं को देखने से हमें ये पता चलता है कि 1000 साल पहले भी हमारी हिंदू सभ्यता और कारीगरी कितनी उन्नत थी, क्योंकि इन पत्थरों पर मूर्ति बनाने के लिए जिस तरह की कारीगरी की गई है वो सच में आज भी देखने के लायक है। दोस्तों, अगर आप भी भोपाल या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप जरूर यहाँ पर आएं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और 1000 साल पुरानी इन सभ्यताओं को देखने के लिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपके पास समय से पहुंच पाए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी चल रहा है ना।